चलिए आज हम आपको झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पर ले चलेंगे, जिसे करीब 30 साल के बाद नक्सलियों के कब्जे से आजाद कराया गया है। सीआरपीएफ और झारखंड स्टेट पुलिस के ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराया है। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का परमानेंट ठिकाना। बूढ़ा पहाड़ 3 दशक तक नक्सलियों का रहा कब्जा। बूढ़ा पहाड़ जहां चप्पे चप्पे पर बिछा रहता था बारूद, बूढ़ा पहाड़ जहां कदम कदम पर मंडराता था मौत का खतरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर खड़ा यह बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों की हुकूमत का गवाह रहा, लेकिन अब यह पूरा इलाका नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बूढ़ा पहाड़ की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की। देखिए, यहाँ से जो हमारा बेसिक था, ये बूढ़ा रिवर पे ही हम लोगों के लिए ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि आगे इसके आगे ब्रिज की आवश्यकता नहीं थी। तो बिल्कुल जैसा आपने देखा कि ये बेहद शॉर्ट टाइम में, सिर्फ 14 घंटे में ब्रिज तैयार किया गया, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि फोर्स का मूवमेंट काफ़ी तेज हो गया और धीरे धीरे फोर्सेस ने अपने आप को यहाँ पर जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए गए उसके जरिए नक्सलियों के माद में वो पहुँचने लगे। बूढ़ा पहाड़ एक तरह से नक्सलियों का अवैध किला था, जिस पर 32 साल तक नक्सलियों का कब्जा बरकरार रहा, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इसे नक्सल मुक्त करवा लिया है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया। बूढ़ा पहाड़ वही इलाका है जो करीब 30 सालों से नक्सलियों के कब्जे में था, और अभी कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों के कब्जे से इन इलाकों को मुक्त कराया है। बूढ़ा पहाड़ तक जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी इन इलाकों में नक्सलियों के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। नक्सली इन रास्तों पर लगातार नज़र रखते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो इन रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए माइंस या आईडीज को बिछा देते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप बड़ी गाड़ियों के जरिए वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वो माइंस के जरिए विस्फोट से उड़ा देंगे। दिनी उसकी टीम इसी बूढ़ा पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हमारा कैमरा जंगल के अंदर जा रहा था, हमें जंगल में मौजूद खतरे के लिए आगाह भी किया जा रहा था। कई बार ऐसा मौका भी आया जब जंगल में अचानक हलचल शुरू हो जाती। बूढ़ा पहाड़ के इन रास्तों में हमें चारों तरफ घने जंगल मिले। जैसे जैसे हम इस वक्त बूढ़ा पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। नक्सली इन घने जंगलों का फायदा उठा करके आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगा करके हमले कर देते हैं, और ऐसे में हमें कहा गया है कि हमें बेहद सतर्क रहना है। सीआरपीएफ के जवान इस वक्त काफ़ी अलर्ट हैं, लेकिन तभी जंगल में एक हरकत दिखाई देती है, और ऐसे वक्त में ये जवान बेहद इस वक्त अलर्ट हो जाते हैं। हालांकि जंगल के इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की एक टीम हमारे साथ चल रही थी, और जैसे ही उन्हें आगे का रास्ता क्लियर होने की खबर लगती तो हमारा काफिला जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगता। लेकिन जब तक सुरक्षा बलों के जवान ये तय करते कि आगे बढ़ना सेफ है, तब तक जी न्यूज की टीम उनके अगले सिग्नल का इंतजार करने के लिए रुक जाती। हम इस वक्त बूढ़ा पहाड़ के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और यहाँ से बूढ़ा पहाड़ तक जाने के लिए हमें इन पहाड़ी रास्तों पर करीब 1 घंटे तक पैदल चलना होगा। हमें यहाँ बताया गया है कि चारों तरफ चूंकि नक्सलियों का गढ़ होता था, ऐसे में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी भी कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए जगह जगह माइंस बिछाई हुई थी। माइंस का खतरा आज भी है, हालांकि तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और हमें कहा गया है कि हमें पर्टिकुलर इसी रास्ते को फॉलो करना है और दाएं बाएं भी नहीं होना है, क्योंकि माइंस कहीं भी हो सकती है। जंगल के इन रास्तों में हमारी टीम को कुछ ऐसे परिवार भी मिले जिनका सामना नक्सलियों से कई बार हो चुका था। बस मुझे वही दिखा था सर, पहले नक्सली लोग आ रहा था, उसे परेशान कर रहे थे, कर रहा था, आता था, खाना मांगता था, क्या करेंगे, डर मरा दे रहे थे। ये नक्सली ज़्यादा भारी में नहीं आता था, 8-10 के संख्या में आता था, तो यही मार पीट करने लगता था, डर से हम लोग भी खाना पीना दे देते थे।
जी न्यूज की टीम बूढ़ा पहाड़ के लिए आगे बढ़ रही थी। कुछ घंटों के जोखिम भरे सफर के बाद टीम उस ठिकाने पर पहुंची जहां से बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचने के लिए एक घंटे का पैदल सफर भी करना जरूरी था। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ वक्त पहले तक इन्हीं रास्तों पर नक्सलियों ने लैंड माइंस का जाल बिछा के रखा था, लेकिन सीआरपीएफ के ऑपरेशन की वजह से अब ये रास्ते सबके लिए आसान सफर मुहैया करा रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ एक ट्राई जंक्शन है, गढ़वा, लातेहार और बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ का जिला है, इन तीनों जिलों में जो नक्सली वर्चस्व रहा काफ़ी लंबे समय से, 3 दशक से अधिक की अवधि में रहा है, इन तीनों जिलों के वर्चस्व को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, एक मुश्त समाप्त कर दिया। करीब एक घंटे तक इन पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने के बाद आखिरकार जी न्यूज की टीम बूढ़ा पहाड़ तक जा पहुंची, जहां पर सबसे पहले तिरंगा और सीआरपीएफ का झंडा नजर आया। हर तरफ जवानों में जोश था और भारत माता की जय की गूंज सुनाई पड़ रही। बूढ़ा पहाड़ का ये पूरा इलाका लंबे वक्त तक नक्सलियों के लिए गढ़ था। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित बूढ़ा पहाड़ की इन पहाड़ियों के टॉप पर नक्सली कमांडर्स और उनके तमाम जो नक्सली थे वो बैठे रहते थे, और हर वक्त वो इन पहाड़ी से नीचे सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी भी मूवमेंट पर नज़र रखते थे। और ऐसे में जब भी ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती थी, ऊपर से यानी नक्सली लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करना शुरू कर देते थे। यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें भी उनके कई भेदिये थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हर मूवमेंट की जानकारी उन तक पहुँचा देते थे।